मरते क्यों नहीं? मरोगे जब लड़कियां खत्म होंगी तो मर जाएंगे। लड़कियां खत्म होंगी। अच्छा, लड़कियों में लगता है आपका काफी इंटरेस्ट है। लड़कियां अच्छी लगती जी? क्यों नहीं, किसको नहीं अच्छी लगती? इस बात का बेगम को पता है? नहीं नहीं, आज पता लग जाएगा। पता आप क्या पता है, हमारे घर में टीवी नहीं है। घर में टीवी भी नहीं है, मोबाइल भी छोटा रखा हुआ है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? गर्लफ्रेंड भी होगी आपकी? हाँ, गर्लफ्रेंड रखी हुई ना, रखी हुई है, रखी हुई है। उसके साथ कई बार घूमने फिरने भी जाते हैं? कभी कभार। मुझे छोड़ कर अकेला कहीं दूर जाने वाले। कुमार का काम है ना काम करना। कुमार के पास इतना सारी टेक्नोलॉजी है। तो इतना जदीद हो रहा है, मोबाइल के ऊपर रिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं। आपके मोबाइल पे आते हैं? आपके मोबाइल पे रिश्ते? मोबाइल ही नहीं है। क्या है, दांतों की खूबसूरती है, रंग की खूबसूरती है, उम्र की खूबसूरती है, बालों की खूबसूरती है, किस चीज की खूबसूरती? अगर आप जैसे बाबे भी वही हरकतें करेंगे जो 18 साल का लड़का करता है, तो मुझे बताएं हम फिर क्या नाई हैं? बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं इस्लामाबाद की इतनी बड़ी कहानी लेके आया हूं। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है जिसकी उम्र तकरीबन 60-70 साल है और इसका नाम है मोहम्मद अफजाल खान। अफजाल खान को शादियों का बहुत ज़्यादा शौक है, जुगतों का बहुत ज़्यादा शौक है, गानों का बहुत ज़्यादा शौक है और न जाने कितना कितना टैलेंट इसके अंदर मौजूद है। इनसे बात करते और पूछते हैं इनके अंदर कौन कौन से टैलेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं चाचू? मैं ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। फर्स्ट क्लास है, इतनी उम्र हो गई अभी तक जिंदा क्यों है, मरते क्यों नहीं? मरोगे जब लड़कियाँ खत्म होंगी तो मर जाएंगे। लड़कियाँ खत्म होंगी। अच्छा, लड़कियों में लगता है आपका काफी इंटरेस्ट है। लड़कियाँ अच्छी लगती जी? क्यों नहीं, किसको नहीं अच्छी लगती? आपको ज्यादा अच्छी लगती। कितनी शादियाँ की आपने? मैंने चार। चार शादियाँ की हैं, तो फिर अब और क्या चाहिए? अभी और की भी ख्वाहिश है। नहीं, चार शादियां इधर अपनी एक नहीं हो रही, आपने चार शादियां कर ली, ऐसा कौन सा जादू है आपके पास? भाई ये किस्मत की बात है। वो आपके इस ये हुस्न दिखाएं जी जूम करके, ये इस हुस्न के ऊपर मर गए हैं। ठीक है, आपका इतना खूबसूरत रंग है जैसे स्नेक का रंग होता है। जी जी, स्नेक ही है हम जी। आप स्नेक ही है? हम स्नेक। काटते तो नहीं? नहीं काटते। अब आपके मुंह के अंदर दांत हैं नहीं और शौक चढ़े आपको शादी के, तो दांतों का क्या काम है? हमको बलीमा खाना जाना के शायद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब चलती फिरती, अगर आपको मिसाल तौर पर अब आपसे पांचवी शादी करनी है, कोई लड़की आपको पसंद आ जाती, क्या करेंगे? शादी करेंगे उसे। नहीं, उसके पास कैसे जाएंगे? मिसाल तौर पर बाजार में कोई लड़की आपको अच्छी लग पड़ी, क्या करेंगे? तो उसके पास जाएंगे, उसका हाल चाल पूछेंगे। oh, no! और वो आपकी इस शक्ल के ऊपर और इस उम्र के ऊपर दे देंगे, जिसे आप तो अरबपति है ना? जरूरी नहीं अरबपति के ऊपर ही आए। हाँ। किसी के नहीं, वो मुझे बताएं आपके अंदर खूबसूरती क्या है? दांतों की खूबसूरती है, रंग की खूबसूरती है, उम्र की खूबसूरती है, बालों की खूबसूरती है, किस चीज की खूबसूरती है? मेरी जबान की खूबसूरती है। जबान की खूबसूरती है, तो कोई खूबसूरत सा एक गाना तो सुनाए फिर। चलो सुन लो। कौन सा सुना रहे हैं, किस फिल्म का? रंगीला फिल्म का गाना है। रंगीला फिल्म का गाना जी सुना। अरे गा मोरे मनवा गाता जा रे, जाना है हम का दूर रे, जाना है हम का दूर। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा खूबसूरत गाना सुनाया आपने। मुझे बताएं कि सीखा है और कब से गाने गा रहे हैं? ये तो मैं बचपन से गा रहा हूँ, बहुत शौक है मुझे गाना गाना का। तो करते सारा दिन क्या है जब आप फारिग होते हैं? ठीक है, जब कोई काम नहीं होता तो गाने गाते हैं, गप्पे लगाते हैं, झुकते करते हैं, क्या करते हैं? मैं गाने शाने गाता हूँ। और जब बेगम पे कभी प्यार आता है? अब क्यों नहीं आता, आता है। बेगम पे भी प्यार आता है, बाहर भी प्यार आता है, मुआशरा खराब भी इसी वजह से हो रहा है। नहीं, अगर नहीं। आप जैसे बाबे भी वही हरकतें करेंगे जो 18 साल का लड़का करता है, तो मुझे बताएं हम फिर क्या नाई हैं? बाबे का क्या, बाबे आपका का वैसे दिल नहीं चाहता कि यार ये जो रोमांस और लड़कियों वाला मामला है, ये चलो बच्चे करते तो अच्छे लगते हैं, मैं अब बस कर दूं, मेरी जो टांगे कब्र में, मैं बस कर दूं, दिल नहीं चाहता? क्यों बस कर दूं, पार्टी तो अब शुरू हुई है। और गाना सुना, अजीब सा प्यारा सा खूबसूरत सा ये इंसान है, रोमांस का बादशाह है। ठीक है, कहते हैं आज भी पांचवी शादी कर रहे हैं, दूसरा गाना कौन सा सुनाने लगे? मुझे छोड़ कर अकेला कहीं दूर जाने वाले,
मैं भुला न सकूंगा तुझको, मुझे याद आने वाले मुझे छोड़ कर अकेला। यकीन करें, इतना खूबसूरत शख्स, इतना प्यारा आदमी, इतना बातें करने वाला आदमी, मुझे ये बताएं कि ताल्लुक आपका किस शहर से? मेरा इस्लामाबाद शहर से ताल्लुक है। इस्लामाबाद में सारी जिंदगी आपने गुजारी? मैं पैदा भी समझो इधर ही हूँ, एक किस्म पैदा भी इस्लामाबाद। तो मुझे बताएं और कितने भाई हैं आपके? मैं अकेला ही हूँ। आप एक पीस ही आपके वालिद साहब का था, और वही अब्बू ने कितनी शादियाँ की? अब्बू ने तीन। खानदानी रवाज है कि ज्यादा शादियाँ करनी? नहीं, मैं कहा मैं अब्बू से एक ज्यादा करूंगा। आपने कहा अब्बू से मैं ज्यादा करूंगा। कोई और बात शेयर करना चाहेंगे, कोई गाना शेयर करना चाहेंगे तो बताएं। अब आपकी बारी, आप भी कुछ सुना रहे हैं। मैं आपकी ख्वाहिश के लिए छोटी सी एक दो लाइनें सुना देता हूं। वैसे मैं सुनाता नहीं हूं, पर मैं सुनाने के पैसे लूंगा। अच्छा ठीक है, दे देंगे? हाँ दे दूंगा। और वो फार्मूला भी बताएंगे जिससे आपने इतनी शादियाँ की? अच्छा वैसे मेरी आज तक शादी हो नहीं रही, क्या वजह है? क्या पता, आपके घर वाले रुकावट बनते होंगे या कोई ना कोई आंड गुआंड कोई दे। कोई नहीं रहा, या तो किसी को मैं पसंद नहीं आ रहा, क्या वजह पता नहीं, पता लग जाए। मेरा दिल है घर छोड़ के आपके पास रहना शुरू हो जाऊं, इसी बहाने चार तो हो ही जाएंगे। हाँ तो इतना जदीद हो रहा, मोबाइल के ऊपर रिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं। आपके मोबाइल पे आते हैं? आपके मोबाइल पे रिश्ते? मोबाइल ही नहीं है। मोबाइल भी आपके पास नहीं है? गर्लफ्रेंड भी होगी आपकी? गर्लफ्रेंड रखी हुई ना? रखी हुई है। रखी हुई है? उसके साथ कई बार घूमने फिरने भी जाते हैं? कभी कभार। और इस बात का बेगम को पता है? नहीं नहीं, आज पता लग जाएगा। पता आज क्या पता है, हमारे घर में टीवी नहीं है। घर में टीवी भी नहीं है, मोबाइल भी छोटा रखा हुआ है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? जब वैसे लोग कहते हैं जब उम्र में लोग बड़े हो जाते हैं तो वो बड़े होकर सांप बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप शायद कोबरा बन जाए। हाँ मैं कोबरा बनने के बाद फिर इंसान बन गया ना, 100 साल के बाद इंसान। आप एक बार दोबारा कन्वर्ट हो गए। आखिरी ट्रैक कौन सा सुनाएंगे? आखिरी गाना ही सुनाऊंगा और क्या सुनाऊंगा। कौन सा, कोई ऐसा सुनाए कि एक बार फटे बांध दे। अच्छा भाई याद कर लेना थोड़ा। याद कर ले। ये गाना नहीं आता आपको? जब कहा था मोहब्बत गुनाह तो नहीं, फिर गुनाह के बराबर सजा क्यों मिली, जख्म देते हो कह के सीते रहो, जान लेकर कहोगे के जीते रहो। आता है आपको? नहीं। आपकी आवाज जितनी तो मेरी आवाज अच्छी नहीं है, पर आप तो जहरी सी बात है फिर रोमांस के भी किंग हैं, सिंगर भी हैं, और कभी शौक नहीं हुआ कि मैं ड्रामों फिल्मों में भी काम करूं, हीरोइनों के साथ डांस करूं, अच्छा लगेगा? क्यों नहीं, किसका दिल नहीं करता मीठा खाने को। कह रहे जी किसका दिल नहीं चाहता मीठा खाने को, मरने की उम्र है, ऐसी बातें कैसे कर लेते? बस मरना तो है ना, मौत तो बराक है ना। आखिरी गाना सुनाए ताकि सुनने वाले भी अब मर ही जाए। हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहां से, उन्हें दे दो खबर, मर चले हम अगर, ले चले याद उनकी यहां से। हम चले इस जहां से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते जो लोग आपको अभी भी अंधे होंगे, जो लोग अभी भी आपको रिश्ता देना चाहते हैं, कोई डिमांड है तो सामने देख के कर दें। क्यों नहीं, डिमांड है ना, क्या अमीर हो? अमीर होने की डिमांड है हमारी। और आप घर दामाद बनना चाहते हैं? घर दामाद भी बन जाएंगे। और गाड़ियां भी उनके पास 15-15 हो, गाड़ियां बैंक बैलेंस भी उनके पास काफी हो, फैक्ट्रियां भी सारी आपके नाम कर दें। पागल होगा फिर जो सारा कुछ ये करेगा, वो पागल ही होगा। बाकी सही कह रहे हैं आप। आपकी ख्वाहिश यही है? मेरी तो यही है, कोई पागल हो जाए। खूबसूरत लड़की अगर आपको पसंद कर रही हो तो आपकी क्या डिमांड है? उसकी उम्र कितनी, उसका रंग काला नीला पीला कैसा हो, सामने देख के कहें। रंग सफेद हो, 18 साल उम्र हो, काली ना हो, और 19 साल की भी ना हो। सुभान अल्लाह। यकीन करें नाम ही मैं आपका गानों में भूल गया। मोहम्मद अफजल खान। अफजल साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे, इसी तरह खुश रहें।
ले जी ये अफजल खान है, और यकीन करें कि तकरीबन आज तक हज़ारों प्रोग्राम किए मगर मैं ये समझता हूँ कि इस उम्र में भी इतनी मीठी मीठी बातें करना मैं समझता हूँ एक बड़ा हुनर है, एक बड़ा टैलेंट है। और हमेशा वो लोग उम्र में कम लगते हैं, वो लोग ज़्यादा आगे जाते हैं। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, एक दिन हम सब ने चले जाना है, मगर इस उम्र में भी इतना खुश मिजाज होना, इतना रोमांटिक होना, इतनी बातें करना, मैं समझता हूँ मैंने आज तक इतना टैलेंटेड बंदा नहीं देखा। अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे जी, और आपके जो ख्वाब हैं मेरा ख्याल है आपने 10-1 शादियाँ अभी और कर ही देनी है, उम्मीद तो है इस साल में। महंगाई ने आपको कुछ नहीं कहा? महंगाई इंसान को खुद बनाता है, महंगाई है नहीं है, इंसान ने खुद। मेरा ख्याल है जितनी महंगाई ज़्यादा हो रही है उतना अंदर आपके अंदर शादी का रवाज और बढ़ता जा, इसलिए महंगाई कम करे आवाम को, उसको हुकूमत को कहे कि अपना कम करे महंगाई। हुकूमत का काम है ना काम करना, हुकूमत के पास इतना सारी टेक्नोलॉजी है ये है वो है। क्या चीज़ है? टेक्नोलॉजी। कहीं टेक्नोलॉजी क्या बात है। नहीं जी चाचा टेक्नोलॉजी भी समझ गया। नहीं जी ये था मेरा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अल्लाह इनकी लंबी जिंदगी करे और इनके जो भी ख्वाब हैं वो इंशाल्लाह पूरे हों।